गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। मैंने पूरे दिन डाइट बहुत अच्छे से की है, सारी मील्स प्रॉपर टाइमिंग पे फॉलो करी है, बट फिर भी मेरा वेट सुबह 500 ग्राम बढ़ा हुआ है, 1 किलो बढ़ा हुआ है, 1.5 किलो बढ़ा हुआ है। बट उसके अलावा, डाइट के अलावा, कल मेरी बॉडी बिल्कुल थकी हुई थी, मैंने बहुत एक्स्ट्रा काम किया है एंड मेरी बॉडी पूरी सूजी हुई है। एंड उसके अलावा मुझे रात को नींद नहीं आई है, या फिर मैंने मील्स स्किप भी करे हैं, या फिर उसके अलावा मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा थकावट है और मैंने बहुत एक्सेस में वर्कआउट करा है अचानक से, लाइक बड़े लंबे समय के बाद, और मेरी बॉडी ने वाटर को होल्ड कर लिया है। काफ़ी लोगों को समझ ही नहीं आता कि हमारा वेट जो बढ़ रहा है वो खाने की वजह से बढ़ रहा है या वाटर की वजह से बढ़ रहा है, या थकावट की वजह से बढ़ रहा है, या लैक ऑफ स्लीप की वजह से बढ़ रहा है, या स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से बढ़ रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन और गुस्सा करने की वजह से बढ़ रहा है। जब ऐसी ऐसी सिचुएशन से वेट गेन होता है तो वो फैट नहीं गेन हो रहा हमारी बॉडी के अंदर, इट्स जस्ट अ वाटर रिटेंशन, बॉडी ने पानी को होल्ड कर लिया है। एक्स्ट्रा नमक खाने से भी वाटर रिटेंशन होता है कि बहुत ज़्यादा नमक खाया जा रहा है, बहुत हाई इनटेक ऑफ सॉल्ट आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, तभी वाटर रिटेंशन होता है। बहुत लंबे समय से आप एक लो कैलोरी डाइट पे है, अचानक से आपका स्ट्रेस आया और मूड स्विंग हुआ और सारा का सारा गुस्सा आपका फूड पे निकलता है और आप बहुत ही ठोक कर खाते हो, बहुत एक्सेस में हाई सोडियम का डाइट ले लेते हो, मतलब तीनों टाइम बहुत हैवी मील, जस्ट बिकॉज यू आर स्ट्रेस। इसकी वजह से आपका पूरा का पूरा डाइट का सत्यानाश किया जाता है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? इंसान है, भटक गए, हो गई गलती, नाउ नेक्स्ट व्हाट? अब बैठ के हम रोएंगे तो नहीं कि हमारा पूरा डाइट स्पॉइल हो गया, हमारा चीज़ें नहीं ठीक हो रही है, हमारी बॉडी सूजी हुई है, सो हम ऐसी सिचुएशन में क्या करें? ये सिचुएशन ना मेरे साथ होती है, आप लोगों के साथ होती है, एंड बहुत सारे लोगों के साथ होती है, एंड नीलम जी के साथ भी था एक वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम। जब भी आपको वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम आएगा, जब भी आपको ऐसा फीलिंग होगा कि मेरी पूरी बॉडी सूजी हुई है, मेरी आंखों की अपर लिड सूजे पड़े हैं, मेरे फेस पे स्वेलिंग है, मेरी रिंग्स जो हैं वो टाइट हो रही हैं, एंड मेरे पैरों पे स्वेलिंग आई हुई है, एंड अगर आप उस दिन नोटिस भी करोगे, एक दिन पहले आपको इतनी फ्रीक्वेंटली अच्छे से यूरिन पास नहीं हुआ है, ऐसी सिचुएशन में बंदा बड़ा ओखा होता है कि नेक्स्ट व्हाट। कभी कभार ऐसा भी सिचुएशन आता है कि आपका यूरिन में इन्फेक्शन हो, तो आप यूरिन रूटीन एंड यूरिन कल्चर का टेस्ट कराएं, एंड तब पता चलेगा कि आपके यूरिन में क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम आई हुई है। अदरवाइज़ अगर आप लोगों को 2 से 3 दिन पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ है, बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जर्ट हुई है, बहुत ज़्यादा टूटी हुई है, बहुत ज़्यादा पेन में है, थकावट है, नींद नहीं मिल रही है, तब भी बॉडी बहुत ज़्यादा सूज जाती है। सो ऐसे हालात में इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कहाँ पे निकलता है? निकलता है लो सोडियम डाइट। कोई भी डाइट पकड़िए, बट उसमें मेक श्योर कि आप नमक का इंटेक बहुत ही कम करें, एंड उसके साथ साथ चलाएंगे डिटॉक्स वाटर। आज मैं लेके आई हूँ जिंजर का डिटॉक्स वाटर, एंड ट्रस्ट मी, 7 डेज 7 जिंजर के डिटॉक्स वाटर, एवरी डे 1 लीटर बनाना है एंड 2.5 लीटर नॉर्मल पानी पीना है। आपने थकावट नहीं होने देनी, बॉडी को अच्छे से रेस्ट देना है, चाहे आप वर्किंग भी है, स्टिल आप मेक श्योर रखो कि आपकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिले। और ये वाला डिटॉक्स वाटर्स जो भी मैं आज आपके सामने प्रेजेंट करूँगी, लेके आई हूँ, उसकी हेल्प से आपका एक्सेस ऑफ वाटर रिटेंशन, एक्सेस ऑफ कोल्ड वाटर जो बॉडी के अंदर है, वो बिल्कुल फ्लश ऑफ हो जाएगा। जिंजर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेल्प करती है हमारी गट हेल्थ में, हमारे वाटर रिटेंशन में, इन्फ्लामेशन में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वाटर को फ्लश ऑफ करने में। जिंजर एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। कभी बीमार होते हैं तभी हम जिंजर को यूज़ करते हैं, कभी हमारे को कोई भी एलर्जी हो रही होती है हम तब भी जिंजर का रस ले लेते हैं, बच्चे तक को जिंजर का रस दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं। नाउ जिंजर का डिटॉक्स वाटर बनाना कैसे है, चलते हैं किचन में और बनाते हैं 7 जिंजर के डिटॉक्स वाटर फॉर 7 डेज, एंड इसको लेना कैसे है मैं उसके बाद आपको बताती हूँ। फर्स्ट डिटॉक्स वाटर के लिए हमें चाहिए यहाँ पे पेयर एंड थोड़ी सी अदरक। अदरक को मैंने पील करके चॉप करके रखा हुआ है, और अगर ये अदरक आप टेस्ट करो तो थोड़ी सी मीठी अदरक है, आप कोई भी अदरक इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये अदरक लगाओ तो 3 से 4 बड़े स्लाइसेस हैं, और मुझे आधा पेयर चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है दिस मच, लाइक इतनी सी सिनेमन स्टिक। सो अब हमें डिटॉक्स वाटर बनाने का नज़रिया चेंज करना चाहिए और बनाने का तरीका भी। सो ये रहा मेरे पास ब्लेंडर, ब्लेंडर के अंदर मैंने डाल दिया मेरे अदरक, मेरा हाफ पेयर एंड मेरी सिनेमन की स्टिक। परफेक्ट, इसके अंदर मैं डालूँगी मेरा आधे कप जितना पानी, लाइक इतना, और अब इन सबको हम ब्लेंड करेंगे। नेक्स्ट ये है मेरे पास 1 लीटर वाटर, इसमें से आधा कप पानी मैंने कम किया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने उस आधे कप पानी में ब्लेंड करा है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया।
अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे, दो घंटे के लिए इसको रखेंगे और बिना छान के हम इसे पीना चालू करेंगे। अगर सिनेमन के स्टिक्स के थोड़े बहुत दाने आपके मुंह में आ रहे हैं तो आप बाहर कर सकते हैं। और दिस इज रेडी विदाउट स्ट्रेन, हम इसको लेंगे। इस डिटॉक्स वाटर है मेरे पास, मिंट एंड जिंजर का डिटॉक्स वाटर। ये रहे पुदीने के पत्ते, 7 से 8, आई गेस 10 तक पुदीने के पत्ते मैंने डाले हैं। अगेन 1 slice, 2 slice, 3, 4 छोटे छोटे स्लाइसेस मैंने जिंजर के इसमें ऐड करे हैं। 1/2 glass वाटर, इतना। इन सबको हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अब हमारा 1 liter पानी, जिसमें से 1/2 cup पानी मैंने निकाल दिया है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरा जिंजर एंड मिंट का मिक्सचर। गया एंड दिस इज रियली यम्मी। सो इसको भी हम सोक करेंगे 2 घंटे के लिए एंड इट्स एब्सोल्युटली रेडी। यहाँ पे हम डिटॉक्स वाटर बना रहे हैं। 10 grapes लेंगे, मेरे पास ब्लैक ग्रेप्स हैं, आप ग्रीन ग्रेप्स ले सकते हैं, रेड ग्रेप्स भी ले सकते हैं। ये डल गया जी इसमें। नेक्स्ट अदरक हमारी, 1, 2, 3, 4 स्लाइसेस, 1/2 cup पानी। इसको हम करेंगे ब्लेंड बहुत अच्छे से। नेक्स्ट मेरा हमारा 1 liter पानी, जिसमें से 1/2 glass मैंने इसमें यूज करा है, ये डाला हमने इसमें। एंड बहुत ही यम्मी वाटर है ये, बहुत यम्मी। एंड दिस इज रेडी। इसको हम 2 घंटे स्टोर करेंगे बिना छाने पीना, ये सारे वाटर्स विदाउट स्ट्रेन लेंगे हम। नेक्स्ट हम बनाएंगे चिया सीड लेमन एंड जिंजर का डिटॉक्स वाटर। बहुत ही सिंपल, यहाँ पे मैंने ले लिया मेरा 1/2 cup जितना पानी, 1 liter पानी में से। यहाँ मैंने निकाल दिया हमारे जिंजर। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरा 1 lemon जूस। नेक्स्ट इसको हम ब्लेंड करेंगे बहुत अच्छे से। ओके, ये रहा हमारा वाटर 1 liter का, ये रहा हमारा ब्लेंड की हुई है। इसको हम डाल देंगे इस पानी के अंदर, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है चिया सीड्स, 1 चम्मच हमने चिया सीड्स लेना है, इसके अंदर डालना है, इसको खूब अच्छे से मिक्स करना है और इसको सोक होने देंगे हम 2 घंटे तक। तब तक ये सारे चिया सीड्स एकदम अच्छे से फूल जाएंगे। सो यहाँ दिस इज रेडी। इस डिटॉक्स वाटर को भी विदाउट स्ट्रेन लेना है। नेक्स्ट डिटॉक्स वाटर के लिए हमें चाहिए जिंजर, 2 round slices पाइन एपल्स एंड मिंट की पत्तियाँ। ये लिया मैंने 1/2 cup पानी, इसके अंदर हम डाल देंगे 2 round slices मेरे पाइनएप्पल्स के, 2 slices जिंजर के, 7 से 8 पत्ती मेरी मिंट की और खूब अच्छे से इसको अब हम ब्लेंड करेंगे। ये रहा हमारा पानी 1 liter में से 1/2 glass। ओके, सो ये रहा वाटर बिल्कुल रेडी है एंड इसको हम सोक करेंगे 2 घंटे तक और उसके बाद पीना चालू करेंगे विदाउट स्ट्रेन। सो नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं ऑरेंज मिंट एंड जिंजर का डिटॉक्स वाटर। ये रहे मेरे पास ऑरेंज, इसके अंदर से मैंने सीड्स निकाले हैं, ये 1/2 orange है मेरे पास। आप मौसम्बी यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज यूज़ कर सकते हैं, माल्टा यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर इसके जो बीज हैं वो निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट हम डालेंगे इसमें मिंट की पत्तियाँ। नेक्स्ट हमारे पास है जिंजर, 2 slices जिंजर इनफ है यहाँ पे। नेक्स्ट हम डालेंगे 1/2 cup पानी और इसको हम करेंगे अब ब्लेंड। ये रहा हमारा 1 liter का पानी, जिसमें से 1/2 cup पानी हमने यहाँ पे निकाल रखा है एंड ये हमने कर दिया इसमें ऐड एंड दिस वाटर इज रेडी। ट्रस्ट मी, इतना रिफ्रेशिंग वाटर है, समझ भी आ रही है, मज़ा आ जाएगा। सो इसको 2 घंटे हम सोक करेंगे, पीना चालू करेंगे बिना स्ट्रेन के एंड इट्स गुड टू गो। अब हम बना रहे हैं डिटॉक्स वाटर हमारे बीट रूट से। बीट रूट हमारे पास पूरा साल रहता है, ये डाल दिया मैंने 1/2 बीट रूट यहाँ पे। नेक्स्ट जिंजर, नेक्स्ट 10 से 15 पत्तियाँ हमारी मिंट की, नेक्स्ट 1/2 cup पानी इसमें गया, इसको हमने किया ब्लेंड बहुत अच्छे से। नेक्स्ट ये हमने इसमें डाल दिया हमारा बीट रूट का मिक्सचर एंड दिस वाटर इज रेडी। 2 घंटे सोक करेंगे और फिर इसको हम पीना चालू करेंगे। ये वाटर भी विदाउट स्ट्रेन लेना है। वेलकम बैक जी। सो ये जितने भी वाटर्स हैं, जिस भी तरीके के वाटर्स मैंने आपके सामने अभी दिखाए हैं, ये हमें लेने कैसे हैं?
सुबह जब आप नाश्ता कर लेते हो 9 बजे से पहले, 9 बजे के बाद आप अपना डिटॉक्स वाटर बनाएं, उसको स्टोर होने दो, उसको रखे रहने दो 2 घंटे के लिए, 11, 11:15, 11:30 बजे तक आप इसको पीना चालू करो और इसको फिनिश कर देंगे 1 से 1.5 या 2 बजे तक सिप सिप करके। नाउ क्वेश्चन इज कि क्या डिटॉक्स वाटर के साथ हम नॉर्मल पानी भी मिक्स करके पी सकते हैं? एब्सोल्युटली पी सकते हैं। क्या 9 बजे के बाद जब भी हम डिटॉक्स वाटर चालू कर रहे हैं उससे पहले नॉर्मल पानी पीना है? बिल्कुल पीना है। डिटॉक्स वाटर नॉर्मल पानी में बनेगा या गर्म पानी में या ठंडे पानी में? एब्सोल्युटली नॉर्मल वाटर में। डिटॉक्स वाटर स्ट्रेन करके पीना है, वो मैंने अभी आपको दिखाया है कि ब्लेंड करके पीना है, तो स्ट्रेन की बात ही नहीं है। नाउ डिटॉक्स वाटर जो है वो हम पीना भूल गए, तो अब क्या हम इवनिंग में बना सकते हैं? नो। और डिटॉक्स वाटर अगर चल रहा है उसके बीच में नॉर्मल पानी की प्यास है तो हम पियेंगे, बिल्कुल पियेंगे। और 1 से 1.5 या 2 बजे तक जैसे ही आपका डिटॉक्स वाटर ख़त्म हो जाता है तब आप नॉर्मल पानी पियेंगे, सिप सिप करके, झटके में नहीं। 6, 6:30, 7 बजे तक आप अपना नॉर्मल पानी पिए और 7 बजे के बाद जितनी आपकी बॉडी को नीड है वाटर की, जितनी प्यास लग रही है उतना ही पानी जाएगा। ऐसा ना हो कि डिटॉक्स वाटर हमने 1 बजे तक पी लिया, 7 बजे तक हमारे को ध्यान नहीं रहा, हम काम में थे और 7 बजे के बाद 3 लीटर का पानी एकदम झटके से चला गया। नो, ऐसा नहीं करना, वो अगले दिन फिर आपको स्वेलिंग देगा और अगले दिन और ज़्यादा प्रॉब्लम देगा। सो यार दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। एंड जिन जिन लोगों को स्वेलिंग है, जिन जिन लोगों को लगता है यार अब क्या करें, तो अब ये डिटॉक्स वाटर बनाएंगे और अब लेंगे। अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इतना मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे पोस्ट कर सकूँ जिसकी हेल्प से आपको प्रॉब्लम ना आए और एंड आप लोगों का जो क्वेश्चंस हैं, जो दिक्कतें, उनको साथ साथ सॉल्व होती चली जाएँ। सो यार दैट्स इट। आई नो वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम आपको है, मुझे है और मेरे बहुत सारे मेंबर्स को है, सो हम मिल बांट के चीज़ों को सॉल्व करेंगे। सो यार दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज, आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल। घर में जिन जिन को वाटर रिटेंशन उन सबको हम डिटॉक्स वाटर देंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर जी, बाय बाय।